इति नाम विष्णुपादाय राधे कृष्णमद्भक्तिवेदान्त नारायण इति नाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम भार्षभानुविधिविधेयताय कृपाद्वय सूर्य कर जब करोगे मेरे को बोलना हाँ, अब हो गया शुरू हो गया हाँ, हो गया हाँ, हमारे कृष्ण इसमें सही नहीं आ रही ना स्पष्ट नहीं आ रही ना लाइट नहीं दिख रही उसको खोल दो पूरा स्क्रीन को ओम ज्ञानतिमिरां धस्स ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न ओम पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च स्थितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपीसह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम लोग श्रवण करेंगे भागवत का कुछ विषय को हम श्रवण करेंगे जिसका नाम है श्री वृत्रासुर का स्तुति है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कहते भागवत कहते हैं किसको कहते भागवत कहते उसको जिसमें श्री वृत्रासुर का उपाख्यान हो जिसमें वृत्रासुर की स्तुति हो। उन्होंने भगवान के लिए उन्होंने चार श्लोकों को द्वारा उन्होंने स्तुति की। आज वो चार श्लोकों के ऊपर में थोड़ी सी हम कथा सुनेंगे। जब इंद्र को साथ में युद्ध हो रहा था युद्ध होते होते जब युद्ध होता है केवल एक ही भावना रहता है मारना नहीं तो मरना। लेकिन उसी अवस्था में भी ये वृत्रासुर ने भगवान को उन्होंने स्तुति किया। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं। मरते समय हैं किसको हृदय में प्रभु की प्रति स्मरण आएगा जिसकी कण कण में जिसकी रोम रोम में भगवान पूरा समाये हुए हैं तभी उसके हृदय में प्रभु का प्रति कोई प्रेम आता है। प्रश्न है फिर ये कि राक्षस होकर के फिर भगवान की स्तुति कैसे कर रहा है। कहते ये राक्षस नहीं ये पहले जन्म में श्री चित्रकेतु महाराज थे। एक दिन ये चित्रकेतु महाराज एक सुंदर विमान में बैठे करके अपना पत्नियों को लेकर के आकाश में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते पहुंचे कैलाश में। उसी समय श्री शंकर जी बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपना गोद में पार्वती को बैठा रखे थे और ऋषि मुनियों को उन्होंने ज्ञान की बात सुना रहे थे।
अभी इतने में श्री चित्रगुप्त महाराज ये कौन है, कहते श्री शंकर शरण श्री आनंद देव का शिष्य है। शंकर जी कौन है, वो भी श्री आनंद देव का शिष्य है। ये गुरु भाई लगते हैं। आप देखना गुरु भाई होने का नाते कभी कभी आपस आपस में हंसी दिली कर लेते, लेकिन चित्रगुप्त महाराज शंकर जी की महिमा को जानते हैं। शंकर जी कौन है, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ? जो योगी योगी महायोगी वैष्णवानाम यथा संभो, इसलिए भागवत में बताया निम्नानाम नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है जैसे वैष्णव में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ है, कहते भागवत पुराण में भागवत भी उसी तरह का, इसलिए ये परम वैष्णव है शंकर जी। इसलिए पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, शंकर जी हर समय पंचमों में भगवान के कीर्तन करते रहते हैं, हैं? इसलिए बोले महामंत्र जयी जपत महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा, हर समय महामंत्र को जप करते हैं और काशी में सबको कानों में भगवान का नाम को दे करके सबको मुक्त कराते, इसलिए उनको पता शंकर जी ये परम वैष्णव है। लेकिन ऋषि मुनियों को भरी सभा में पार्वती को गोद में बैठा करके ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं, यद्यपि वो समर्थ है लेकिन जो साधारण जो व्यक्ति जीव है अगर ये चीज को देखेगा तो समझ नहीं पाएगा। बोले देखो ऋषि मुनियों को बीच में बैठे हुए और फिर पत्नी को गोद में लेकर के, पत्नी को गोद में कब लेते हैं, किसी एकांत स्थान में, और ये ऋषि मुनियों को सामने लेकर बैठे फिर उनको ज्ञान की बात बता रहे। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने थोड़ी सी टोक दिया, जैसे साधारण लोग इस चीज में भ्रमित होकर के किसी वैष्णव चरण में अपराध करने बैठे। जब इतनी सी बात सुनाई ना, पार्वती वहां बैठी हुई थी, पार्वती कौन है, वो जगदम्बा जगत जननी शंकर जी की परम भक्त है, हैं? इसलिए नियम है हरि हर निंदा सुनई जे काना पाप होई गो घात समाना, इसलिए भगवान का निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरि हर, हरि मतलब भगवान, हरि हर मतलब शंकर जी, कहते उनकी निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। सुनने से क्या होता है, पाप गो घात समाना, जैसे गैया को वध करने पर पाप लगता है, भगवान वैष्णव का अगर हमने निंदा श्रवण किया तो ऐसे पाप लगता है। इतने में पार्वती शंकर जी की निंदा कहाँ सुन सकती है, उनको पता है कितने कष्ट करके कितनी कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने शंकर जी को प्राप्त किया है, क्योंकि हरि कथा सुनने के लिए। इतने में मैया पार्वती तो एकदम भड़क उठी, बोले इतने बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए हैं, इनको ये बात पता नहीं, तुम्हें पता हो गया और शंकर जी सबको बीच में कथा सुना रहे, तुम बीच में कौन होता है बोलने के लिए, बोले जा तो राक्षस जन्म में चले जा, उन्होंने अभिशाप दे दिया। लेकिन चित्रगुप्त महाराज कौन है, वो भी शंकर शरण का भक्त है, वो परम भक्त वो है, उनका अंदर में इतनी शक्ति थी इतनी हिम्मत थी, वो उल्टा पार्वती को अभिशाप दे सकते थे लेकिन उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, उन्होंने अपना संसार को झुका करके ये माँ की आशीर्वाद रूप में अभिशाप को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, क्योंकि त्रिनाधपि सुनिचे न तर रवि सहिष्णुना अमानी नांग मान देन कीर्तन्य तदारी, भगवान की भजन करने के लिए ये चार गुण की जरूरत है, हैं? त्रिन से भी ज्यादा दीनहीन, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, सबका सम्मान दो, कभी इज्जत की भूखे मत बनो, ये परम वैष्णव है, इसलिए वो त्रिनाद भी सुनी जन है। इसलिए उन्होंने सर को झुका करके बोले माता जी आप जो मेरे को अभिशाप दिया है मैं इसको ग्रहण करता हूँ, लेकिन मेरे को इतना ही आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो, भले ही मैं किसी जोनी में क्यों नहीं चले जाए लेकिन जैसे प्रभु का भक्ति नहीं छूटे, भगवान की भक्ति नहीं छूटे, संतों का संगम मिलते रहे, प्रभु की भजन करते रहूं, इतना ही आशीर्वाद दो। जब उन्होंने ये बात को बताई शंकर जी पार्वती को बोले पार्वती तो ऊपर में देखने में जितनी सुंदरी है ना, दिल से इतने सुंदर नहीं हो, केवल ऊपर में तो सुंदरी हो, हैं? देखा
तुमने देख लिया चित्र के, तुम महाराज वो उल्टा अभिशाप दे सकते थे तेरे को, मेरे हिम्मत नहीं था तुमको बचाने के लिए, क्योंकि वो भी सर्व तत्र संतत्र और सर्वसमर्थ वो है, वो दे सकते थे उल्टा, लेकिन उन्होंने तेरे को अभिशाप नहीं दिया, उन्होंने सर झुका करके तुम्हारे अभिशाप को उन्होंने ग्रहण कर लिया। देखा, चूंकि मेरे गुरु भाई ना, वो मेरे गुरु भाई ना, वो साधारण नहीं, मेरे गुरु भाई, देख लिया मेरे गुरु भाई को, ऐसे बीच में तेरे को टपकने का जरूरत है ना। मैं अभी तो मैं आंसर देने वाला था, क्या आंसर देता, बोले मैं तो एक स्त्री को गोद में लेकर बैठा हुआ, तू देख कितने स्त्रियों को लेकर घूम रहे हो, हैं, तुम भी तो इतने स्त्रियों को लेकर के आकाश में घूम रहे हो, मैं तो एक स्त्री को लेकर बैठा, मैं बोलने वाला था, लेकिन पता नहीं तू बीच में टप पड़ी क्यों। इतने में उन्होंने अभिशाप को ग्रहण कर लिया, वही चित्रकेतु महाराज जी शरीर से वित्रासुर रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। जन्म ग्रहण करके, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति ऐसे की चीज है, ये भक्ति कभी घटती नहीं, इसलिए मीरा कहती है ना, हाँ कहते हैं मीरा कहती है, दिन दिन बढ़ता सबा अयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, बोले चोर नहीं लेबे लूटे नहीं जावे, दिन दिन बढ़त सपायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। कहते जो भक्ति है ना, उसको चोर नहीं ले सकते है, लूटने वाले नहीं, फूटने वाले नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहती है, ये धन कभी घटती नहीं, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, कहते जो भक्ति है ऋजु मार्ग भी सबसे सरल मार्ग है, भक्ति कभी भी घटती नहीं, हर समय भक्ति बढ़ती रहती है, लेकिन केवल एक अवस्था में भक्ति घट जाती है, बोले कहाँ पर, जब किसी वैष्णव का चरण में हमारी अपराध हो जाए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी सबको सावधान करते हैं, बोले भैया भक्ति अगर ज्यादा नहीं हो कोई बात नहीं, भक्ति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हो, लेकिन किसी वैष्णव का चरण में जैसे कभी अपराध नहीं बन जाए, हाँ किसी वैष्णव चरण में, इसलिए 10 तरह का अपराध में पहला नंबर अपराध है वैष्णव अपराध, लेकिन भक्ति में जो मूल गुरु है, लेकिन वहाँ गुरु जो अवज्ञा वो तीसरे नंबर में देते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध को सबसे पहले देते हैं। बोले क्यों, बोले गुरु जी का प्रति हमारे गौरव बुद्धि रहता है, ये हमारे गुरुदेव है, लेकिन कभी कभी वैष्णव के ऊपर में, अरे ये वैष्णव ऐसे कितना आते जाते रहते हैं, इसलिए कभी कभी वैष्णव के प्रति हमारी अनादर हो जाती है, लेकिन वैष्णव भी कहते वो भी शिक्षा गुरु है और एक दीक्षा गुरु है, लेकिन बताई जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु को एक स्टेज बताया, बोले शिक्षा गुरु को तो जाने कृष्ण स्वरूप और दीक्षा गुरु का कृष्ण का रूप, कहते रूप और स्वरूप में कोई पार्थक्य नहीं, वो एक ही है, हैं वो एक ही है, इसलिए वैष्णव अपराध सबसे खतरा सबसे, केवल यहीं पर ही ये भक्ति घटने की चांस है, नहीं तो भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति हर समय भक्ति बढ़ते 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 बढ़ जाती है, हैं इसलिए इसलिए से वृत्रासुर पहले भक्ति किया है, लेकिन उन्होंने अपराध किए, माफी मांगे, हैं इसलिए वो अपराध नहीं, दूसरों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये लीला की थी श्री चित्रकेतु महाराज। अभी उन्होंने वृत्रासुर रूप में जन्म हुए, इंद्र के साथ में जब युद्ध हो रहा था, युद्ध होते 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 इतने में भगवान को याद आ गया, याद आ गया तो उन्होंने युद्ध छोड़ करना भूल गए, फिर भगवान को स्तुति करने लग गए, 4 श्लोक में उन्होंने स्तुति किया है, हम कोशिश करेंगे सुनने के लिए। उनका जो पहला श्लोक है, बोले अहम हरितव पादई कमूलम तासानुदास भवितास्मि भूव, कहते हे प्रभु अहम हरे है तब पादई कमूलम दासानुदास भवितास्मि भूव, क्या चाहता है, बोले हे प्रभु है तब पादई कमूलम दासानुदास, हम चाहते हैं आपका शरण में जो एकांत जो भक्त है, पादई को मूलम जो केवल तुम्हारी चरण कमल को जिसने एकांत रूप में जो आश्रय ग्रहण किए है, बोले उनका चरण को एकांत रूप में कौन आश्रय ग्रहण किए, बोले भक्त लोग ने आश्रय किया है,
जिसको कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, है। इसलिए जिसको कृष्ण कहते हैं मन मना भव, मन और किसी को मत दो, मन मेरे को दो, मत भक्त भव, भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो, माम जाजी पूजा करना तो मुझे पूजा करो, माम नमस्कुरु प्रणाम करना तो मुझे ही प्रणाम करो। इसलिए कहते हे प्रभु अहम हरे हे तब पादई का मूल दास अनुदास, इसलिए मैं दासों का दास किसका बनना चाहता हूँ, सबका मैं दास बनना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिसने आपका चरण कमलों को एकांत रूप में जो आश्रय ग्रहण किया, क्योंकि भक्ति का जो स्वरूप है बताया गया हर जगह में, बताए भगवान कपिल देव भी बताए मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंती जे दृढ़ा, भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले मई अनन्न भावे न भक्ति कुर्बंत जे दृढ़ा, है भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। आज इसी देवात को कल उसी देवी वहां पर कोई बलारी, वहां पर कोई बहुत बड़े बड़ा बाबा है कोई ठाकुर, चलो हम उसको आज इसी देवी को उपासना कर ले, उसी देवता को उपासना कर ले, उसका व्रत, ये खिचड़ी भक्ति हो गई, ये शुद्ध भक्ति नहीं, ये खिचड़ी भक्ति हो गई, ये भक्ति के द्वारा भगवान नहीं मिलती। भक्ति होनी चाहिए एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, अनन्य भक्ति होनी चाहिए, हैं। कहते अनन्य भक्ति, किसने किसने अनन्य भक्ति की, बोले सारे भक्त लोगों को देखो जीवन देखो जो भक्ति किया अनन्य भक्ति सब लोग ने किया है, हैं। हनुमान जी को देखो जब श्री कृष्ण आए बोले इनको प्रणाम करो, हनुमान भी कहते हैं बोले प्रभु तभी, हाँ कहते श्रीनाथ जानक नाथ अभिर्न परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व राम कमल चल। कहते श्रीनाथ हैं कौन है, कृष्ण जानकीनाथ राम दोनों परमात्मा है, लेकिन होने पर भी तथापि मम सर्वस्व राम कमल लोचन, लेकिन मेरे जो सर्वस्व है ना ये राम ही मेरे सर्वस्व है, है? इसलिए श्रीमन महाप्रभु कभी उन्होंने मुरारी गुप्त को बोले, हैं मुरारी गुप्त कभी उन्होंने बोले थे जब मुरारी गुप्त कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने महाप्रभु का आदेश को पालन नहीं कर पाए, बोले प्रभु जब मैंने राम का चरण से अपना सर को हटाना चाहता हूँ लगता है जैसे मेरा जैसे प्राण ही निकल जाता है, हैं। इसलिए अनुपम को महाप्रभु ने बोले, हैं वो राम भक्त थे, बोले देखो जो कृष्ण है वो 16 कला में परिपूर्ण है, राम द्वादश कला युक्त है, कृष्ण के अंदर में सारे भगवता का पूर्ण प्रकाश है, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, बोले प्रभु जब जब मैं कोशिश करता हूँ राम का चरण से अपना सर को हटाने के लिए जैसे ऐसे लगता है जैसे मेरी प्राण निकल जाए, सारा रात मैंने कोशिश की महाप्रभु आप साक्षात कृष्ण हैं, आपने मेरे को स्वयं आदेश दिया कोशिश की लेकिन मैं ये काम नहीं कर पाई, महाप्रभु खुश हो गए प्रसन्न हो गए, बोले भक्ति ऐसे भक्ति होनी चाहिए, भक्ति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होनी चाहिए, सबको सम्मान करो लेकिन जो हृदय में एक ही देवता मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई, भक्ति ऐसे होनी चाहिए। इसलिए कहते प्रभु कहते ऐसे जो भक्त हैं अनन्य जो भक्त है आपकी, फिर भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है जैसे सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज, कहते ये श्लोक को पूर्ण रूप में किसने जीवन में सार्थकता किया, तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये गोपियों ने ही किया है, ये गोपियों ने ही ये भक्ति की है। इसलिए जिस समय कृष्ण रास से अंतर ध्यान हो गए और गोपियां ढूंढ रहे कृष्ण कहाँ पर, श्याम सुंदर कहाँ पर, ढूंढते ढूंढते जब पैठा में पहुंचे इतने में कृष्ण गोपियों को साथ में हंसी दिलाई करने के लिए कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, धारण करके बैठ गए, बोले गोपियां क्या करती हैं, चतुर्भुज बनकर बैठ गए। इतने में गोपियों ने आए और नारायण को देखा, उन्होंने प्रणाम किया, बोले हमारी श्याम सुंदर को कहीं देखे हो, हमारे कृष्ण को कहीं देखे हो, लेकिन नारायण को देखकर प्रणाम कर लिया लेकिन उनको पति आकृष्ट नहीं हुए, बोले हमारे श्याम सुंदर कहीं देखे हो, है हमारे श्याम सुंदर कहाँ पर है। लेकिन जब श्री वहां प्रणाम करके तो चले गए, लेकिन जब श्रीमती राधा रानी आती
वास राधा रानी की शरीर की जब थोड़ी सी गंध, इसलिए उनका एक गुण है गंध उन्मादिनी, राधा रानी के शरीर से हैं इसलिए एक सुंदर दिव्य गंध निश्रित होती है। जब श्याम सुंदर का नासिका में केवल राधा रानी की थोड़ी सी सुगंध प्रवेश किया ना, राधा रानी आते ही राधा रानी के प्रेम की ऐसे पराकाष्ठा उनको देख करके कृष्ण अपना रूप को धारण नहीं कर पाए। हाँ, बोले बंसी करान निपटित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट सपीत वसनम ब्रजराज सुनो। राधा रानी की केवल एक कृपा कटाक्ष से जब कृष्ण के ऊपर पड़ता है, उनका मयूर मुकुट गिर जाती है, उनकी बंसुरी गिर जाती है, कपड़ा गिर जाता है, कृष्ण अपना आपको स्थिर नहीं रख पाते हैं, इसलिए उनका अपने आप दो हाथ अंदर में अपने आप चला गया, फिर कृष्ण रूप में प्रकटित हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर ये श्लोक संपूर्ण रूप में किसको पर लागू होती है ना, कति ब्रज गोपियों को पर। इसलिए जब कृष्ण बंसी ध्वनि की गोपियों ने जब सब कुछ छोड़ करके आए, कोई गोदहन कर रही थी बच्चे को, कोई दूध पिला रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई पति को सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, हैं उस समय में सब कुछ छोड़ करके उन्होंने आए, तब कृष्ण कहते स्वागतम मैं महाभागा, हे महाभाग्यवती तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के भी तुम्हारी ऋणी को मैं नहीं उतार सकता। बोले क्यों? कहते जो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण ब्रज, तुम लोगों ने मेरे लिए सारे धर्म को त्याग दिया, सारे दुनिया के सारे धर्म को त्याग देते हो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं मम उत्तम श्लोके, यहाँ पर कहते हैं अहम हरे तब पादैक मूलम, हे प्रभु का जो पाद एक मूलम, जो केवल तुम्हारी चरण में जो आश्रय ग्रहण कर किए हुए जो भक्त हैं उनको मैं दासानुदास भवितास में भूआ, मैं चाहता हूँ क्या बनना, उनका दासों का दासों का दासों का अनुदास बनना चाहता हूँ। इसलिए पहले हम लोगों ने श्रवण किया था वो दासों का दास क्यों बनना चाहते हैं, कारण क्या? बोले कारण है सबका कृपा उनको पर मिलता है, इसलिए महाप्रभु जगत में वही प्रेम को देने के लिए वो आए हैं, वही प्रेम को देने के लिए महाप्रभु आए राधा रानी की जो सबसे छोटी जो दासी है जो मंजरी है, हैं कहते उसी भक्ति को देने के लिए महाप्रभु जगत में इसी जगत में आए। उनका दासों का राधा रानी की दासी कौन है? ललिता उनकी दासी, रूप मंजरी उनका दासी, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी, फिर श्री नयन मंजरी, फिर विनोद मंजरी, फिर श्री रमन मंजरी, कहते दासों का सबसे जो नीचे रहता है सबका सेवा इनको प्राप्त होता है। इसलिए बोले प्रभु दासानुदास भवितास में भूव, फिर दासानुदास बनकर करो किया, बोले प्रभु मने सुपतर सुपतर गुणस्ते गृणित बाग कर्म कर तुकाया, मैं चाहता हूँ हे प्रभु आपका दास के दास बन करके आपकी संपूर्ण इंद्रियों से तुम्हारी सेवा को करो, इसलिए अगर मेरे मुंह से कोई वाणी निकले तो तुम्हारी गुणान बात निकले, अगर अपने हाथों से अगर कुछ करे तो तुम्हारी सेवा करे, हैं तुम्हारी सेवा करे। और कहते ये शरीर के द्वारा क्या करे, हैं कहते संपूर्ण हाथों से तुम्हारी सेवा, आंखों से तुम्हारी रूप दर्शन, जीवा से तुम्हारी कीर्तन, कान से तुम्हारी कथा, चरण से तुम्हारी सत्संग जहाँ होती है वहां जाना, तुम्हारी तुलसी परिक्रमा मंदिरी परिक्रमा करना, हैं इसलिए ये सर को तुम्हारी चरण में झुका देना, मैं चाहता हूँ हमारी जितनी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियों से प्रभु आपकी भक्तों की आपकी चरण की सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए ये इनका पहला श्लोक है। तब भगवान ने कहा तू मेरी सेवा का सेवक सेवा की सेवा करना चाहते? बोले हाँ प्रभु। बोले ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है मैं प्रसन्न हो गया, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते हो प्रभु जी, क्या देना चाहते हो? इसलिए बोले ननाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम। भगवान कहते हैं ठीक है मैं तेरे को
स्वर्ग लोग दे देता हूँ, चलिए तुम स्वर्ग लोग चले जाओ। सारा दुनिया चाहते ना स्वर्ग जाएंगे, रंभा और बस मैंने कहा वहां पर तिलोत्तमा की आस, सुंदर से सुंदरी वहां पर सब अप्सरियां, जहां पर हीरे जवाहरात से जड़े हुए, जहां पर नंदन कानन, जहां पारिजात पुष्प, जहां पर सुधर्मा सभा, कहते एक पारिजात पुष्प में इतने शक्ति, केवल एक फूल में आप उसको जो मांगो, चर बचुस लज्ज पेय, पर जो कुछ खाना मांगो, जो कुछ पहनना मांगो, जो कुछ देखना मांगो, जो कुछ नृत्य देखना चाहो, कहते एक फूल में इतने शक्ति, सब इच्छा को एक फूल दे सकता है। ऐसे अद्भुत स्थान है वहां पर, जो भोग है जैसे इसी जगत में एक लिमिटेड है, अगर ज्यादा रसगुल्ला खाओ तो उल्टी हो जाएगा, ज्यादा इंद्रियों से भोग नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां पर देवता है, कहते उनका भोग का कोई लिमिटेड नहीं उनकी, इसलिए बोले तुम स्वर्ग चले जाओ। बोले नहीं 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 प्रभु, मैं स्वर्ग नहीं चाहता। बोले नहीं, अगर स्वर्ग नहीं चाहते हो जाओ, उस सबसे जो ऊपर ब्रह्मांड का परमेष्टि पद है, ब्रह्मा पद है, हैं? ब्रह्मा का एक दिन में एक बार कृष्ण जगत में आते हैं, और वहां पर साक्षात भगवान की निवास है, हैं? भगवान की निवास है, इसलिए कहते तुम चले जाओ ब्रह्म पद में, चले जाओ ब्रह्मा बन जाओ। प्रभु बोले नहीं 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 प्रभु, हमें ब्रह्म पद नहीं चाहिए, ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, बोले देखो न रसाधिपत्यम, बोले उससे भी ज्यादा वैभव है वो रसातल लोक में, नीचे लोक में ज्यादा उससे ज्यादा वैभव है, हैं? वो वहां पर चले जाओ। बोले नहीं 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 प्रभु, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए फिर और क्या चाहिए? बोले एक काम करो, हम तुमको दे देते हैं, चले जाओ मुक्ति, मुक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जन्म मृत्यु का चक्कर चिरकाल के लिए समाप्त हो जाएगा, इसलिए पुनर्भववा, जहां जाने पर जीव कभी इसे मरते जगत में वापस नहीं आता है, ले लो कि ब्रह्म लोक को दे लो। बोले प्रभु नहीं 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 प्रभु, हम ब्रह्म लोक नहीं चाहिए, हैं? ब्रह्म लोक नहीं चाहिए। बोले ब्रह्म लोक क्यों नहीं चाहिए? बोले वहां पर तो जन्म नहीं, वहां पर तो मृत्यु नहीं, लेकिन भगवान का जो सेवा है ना, वो भगवान का सेवा नहीं है, वहां पर तो ब्रह्म में जीव जा करके लीन हो जाता है, अपना सत्ता को नष्ट कर देता है, भगवान जो रस स्वरूप आनंद स्वरूप है वो चीज उनको जीव को प्राप्त नहीं होता है। बोले प्रभु हमें नहीं चाहिए। बोले पर क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या? बोले प्रभु मेरे को एक ही चीज दो, विरह कांक्षा है, तुम्हारी हमें विरह चाहिए, तुम्हारी हमें विरह तुम्हारी चाहिए, हैं? बोले विरह में क्या होता है? बोले विरह में मिलन में एक केवल सामने सामने मिलते हैं, लेकिन विरह में क्या होता है, जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्पुरे, जहां उसको नेत्र पड़ता है सर्वत्र उनको केवल भगवान भगवान भगवान, सर्वत्र उनको भगवत स्फूर्ति होता है, हाँ विरह में। इसलिए भगवान के सारे लीला में विरह है, समस्त महाप्रभु भी संपूर्ण नदिया वासी को छोड़ करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे, और विष्णुप्रिया दिन रात महाप्रभु का विरह में, महाप्रभु का विरह में विष्णुप्रिया दिन रात उसमें डूबी रहती थी। मैया सच्ची मैया भी हैं, कभी कभी सच्ची मैया क्या करती थी, जैसे कोई उत्सव होता है ना, उत्सव में विशेष विशेष दिन में हमारे बंगाल में पीठा पना बनाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर खाना बनाएंगे, बड़े सुंदर केक बनाएंगे, पीठा उधर का ही होता है, और बड़े सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं, बना करके ठाकुर जी को भोग लगा दिए, लगा करके सच्ची मैया सोच रही हैं, अगर मेरे लाला निमाई होता तो कितने खुश होकर खाता। बोले मैया कितने सुंदर बनाए, मैया और थोड़ी दे दो, मैया और थोड़ी दे दो, कितने खुश होकर खाती। मैया तो महाप्रभु की चिंता करते 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 इतने घंटे भर तक महाप्रभु की चिंता में डूबी रहती। इतने में महाप्रभु जगन्नाथपुरी से हैं, मैया की भावना को देखकर जगन्नाथपुरी से आ जाते, आ करके जितने से वो खाना बनाए ना महाप्रभु से खा जाते, खा करके चले जाते। मैया की जब आँख खुलती, बोले मैं तो भगवान को भोग लगाया था, इतने सारे सामान कहाँ चला गया, खाली खाली कैसे, क्या मैंने खाना आज बनाया नहीं। फिर चूल्हे में जाकर देखती हैं, अब कोई खाना बनाओ ना चूल्हे में सब पड़ा हुआ रहता है, हाँ कुछ उसकी चीज पड़ी रही थी। बोले मेरे तो बनाया सब चीन ना ही सब के सब। फिर महाप्रभु
भक्तों को साथ में खबर देते हैं, बोले जाओ मैया को बोलना अमुक का दिन तुमने ये चीज तुमने खाना बनाई थी, और जब ठाकुर को भोग लगा करके जब मेरे को याद की, मैं स्वयं आकर सब कुछ खा कर खाया, मैया को बोल देना। मैया कभी कभी सोचती है ये स्फूर्ति है, लेकिन स्फूर्ति नहीं, सचमुच से मैं आ करके खा करके जाता हूँ। इसलिए विरह में क्या होता है, मन संपूर्ण उसमें डूब जाती है विरह में। इसलिए कृष्णा राधा रानी गोद में बैठी हुई, राधा रानी गोद में बैठी हुई, और मधुमंगल ने वो मधुमक्खी को हटा करके आ गए, बोले मधुसूदन को तुम्हें बहुत दूर भगा करके आ गया। जब बोले ई बात को राधा रानी गोद में बैठी हुई जब सुनी, बोले मधुसूदन को इतने दूर भगा दिया और मधुसूदन आ ही नहीं सकते हैं। गोद में बैठी बैठी करके राधा रानी वहीं पर बेहोश हो गई, वहीं पर राधा रानी बेहोश हो गई। कृष्ण ने देखा राधा रानी का प्रेम को, देखो मेरे गोद में बैठी हुई, मेरे आलिंगन करके बैठा हुआ, इनके अंदर में क्या प्रेम की पराकाष्ठा है। और मेरे गोद में बैठे तो हुए भी वो सोच रही श्याम सुंदर चले गए नहीं यार, लेकिन जब मैं रहता नहीं, राधा रानी क्या करती, मैं को देख करके मेरे रूप मान करके मैं को साथ में राधा रानी बात करती है, और तमाल वृक्षों को देख करके राधा रानी उनको आलिंगन करती है, काली चीज को देख करके मेरी उसकी स्फूर्ति आती है। इसलिए मैं जब रहता नहीं, वो आनंद से रहती है, खाती है, पीती है, और मेरी चिंता में डूब जाती है, लेकिन मैं स्वयं पास में बैठी हूँ, कभी श्याम सुंदर चले गए आ नहीं पाई। राधा रानी का जो प्रेम की अद्भुत प्रेम है, इसलिए कहते हैं प्रभु मेरे को विरह चाहिए। सीता देवी भी देखो यही, प्रभु की सारे लीला में रामचंद्रपुर अयोध्या वासियों को छोड़ कर गई, 14 साल के लिए जंगल में गए, सीता देवी स्वयं जाकर के कहाँ लंका में रही, जाकर के श्री वाल्मीकि ऋषि का आश्रम पे जा पर रही, और दिन रात प्रभु को विरह में, प्रभु के चिंतन में डूबी रही। रामचंद्र भी दिन भर सीता जी के भाव से, सीता रामचंद्र के प्रेम से, दोनों प्रभु का सारे लीला विरह 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 विरह, विरह के छोड़कर कुछ है नहीं। इसलिए कहते प्रभु मैं चाहता हूं आपका विरह, विरह मतलब क्या, बी मतलब विशेष पूर्वक, रह मतलब अकेली वहां मिले हैं, विशेष पूर्वक जहां उनका मिलन होता है। जैसे कृष्ण जब रास से अंतर ध्यान हो गए, एकदम गोपियां कृष्ण चिंता में ऐसे डूब गई, कृष्ण लीला की अनुकरणता करने लग गई, बोले मैं वही कृष्ण हूँ, गिरिराज उठा लिया, कहते मैं वही पुतना हूँ, कृष्ण हूँ, तभी मैं पुतनाओं कैसे मार रही हूँ, पूरा उनकी चिंता करते 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 पूरा उस चिंता में डूब जाती है। बोले प्रभु मैं तो केवल एक ही चाहता हूँ, आपका चिंतन करते 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 ऐसे आपके चिंतन में मैं डूब जाऊं, ऐसे चिंतन में मैं डूब जाऊं जैसे मेरे को तेरे सिवाय और दुनिया में कुछ भी नहीं दिखे। इसलिए कहते प्रभु मेरे को एक ही चीज चाहिए आपका, हमें विरह चाहिए, हमें और किसी चीज की नहीं चाहिए। तो उन्होंने महा भगवान ने पूछे विरह किस रूप का विरह चाहिए, जो विरह चाहते हो वो विरह कैसे विरह तुम चाहते हो। तो उन्होंने तीन उदाहरण देकर के समझाए, तीन उदाहरण दिया, तीन उदाहरण किया दिया। हाँ बोले अजात पक्ष इव मातरम खगा, तो उन्होंने तीन उदाहरण दिया, अजात पक्ष इव मातरम खगा उदाहरण दिया है। जैसे एक चिड़िया ने अपना घोंसले में अंडा दिया, अभी अंडा दिया, अभी अंडा अभी फूटा है, अंडा फूटने पर बच्चे निकलता है, उस समय अजात पक्ष मतलब उसकी पंख अभी अभी ठीक से नहीं निकला है, अभी वो उड़ नहीं सकता है। फिर उसको मैया क्या करती हैं, वो बच्चे को घोंसले में छोड़ करके ना वो चली जाती हैं, वो बच्चे के लिए दाना लेने के लिए चली जाती हैं। जब चली जाती उस समय वो जो बच्चा है ना बड़ा डरता हुआ रहता है, बोले क्यों, बोले कौवा कभी खा जाता है, चील कभी खा जाता है, गिद्ध कभी खा जाता है वो बच्चे को, कभी बिल्ली आकर के उसको खा जाता है, इसलिए वो एकदम डरता हुआ रहता है, डरता हुआ रहता है। और मैया घोंसले में छोड़ कर जब चली जाती हैं, अभी उसको बड़ी तेज भूख भी लगती है, मैया कब आएगी मेरे को खाना खिलाएगी, मैया कब आएगी, और थोड़ी सी अगर खड़खड़ खड़ के शब्द हो जाता है ना, वो जो छोटा जो चिड़िया
ऐसे ऐसे देखने लग जाते, मैया तो नहीं आ गई, मैया तो नहीं आ गई है। इसलिए वो एकदम मैया को चिंता में डूब जाती हैं। अगर मैया जब आ जाती है ना, उसको पूरा निर्भय, क्योंकि उसमें कोई उल्टा पुल्टा व्यक्ति अगर खा नहीं सकते, क्योंकि उसको मैया है ना। देखना मैया की गोद में बच्चे जब सो जाए, निश्चिंत होकर बच्चा सो जाते, बोले क्यों, बोले मैं मैया की गोद में लेटा हुआ, मेरे कोई अभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है? इसलिए कहते प्रभु जैसे उसका पंख भी उगा नहीं मैया चली जाने पर, जैसे दिन रात मैया की चिंता करते 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 उसमें संपूर्ण डूब जाती हैं, मैं भी चाहता हूँ ऐसे ही तुम्हारी चिंतन में संपूर्ण में डूब जाऊँ, मैं ये चाहता हूँ। उन्होंने ये चीज को प्रार्थना करता हुए फिर उन्होंने सोचा ये प्रार्थना तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कमी। बोले क्या कमी है? बोले बच्चा कब तक मैया को याद करता है? बोले जब तक मैया आकर खाना नहीं खिला देता है। अब अगर ये चीज को कभी देखोगे ना, तो फिर तुम अनुभूति होगी, जब मैया खाना लेकर आ जाते ना, वो मुंह खोल देते हैं मैया, उसको मुंह में चोंच में फिर मुंह में दाना डालती है, वो एकदम एकदम तड़फड़ा तड़फड़ाते हुए रहता है। जब फिर उसको खाना खिला देती है, फिर मैया की गोद में निश्चिंत तो फिर सो जाता है। मैया की गोद में सोया हुआ, अभी कोई डर नहीं, मैया मेरे पास में। कहते ये तो प्रेम है, प्रभु का याद करते हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ। बोले क्यों याद करते हो भगवान को? बोले भगवान हमें खाना खिलाएंगे, अब भगवान की गोद में सोएंगे हैं, लेकिन इसलिए फिर मैया आ जाने पर फिर उसको निश्चिंत होकर सो जाता है। मतलब इसलिए प्रभु को हम याद करते हैं, चूंकि भगवान हमें खाना खिलाएंगे, उनका गोद में सो जाएंगे तो कोई डर भय नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति कहते हैं किसको, मतलब भज धातु सेवाया, भजन मतलब होता है भगवान की सेवा करे, बल्कि भगवान से सेवा नहीं ले, भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, भगवान को इसलिए याद करूंगा, भगवान खाना खिलाएंगे गोद में सो जाएंगे, बोले ये भक्ति नहीं। फिर उन्हें दूसरा दिया खुदा सरा बदसरा, सूरीनाम में थे ना आप लोग, गैया पालते थे। अब देखना जब गैया पालते हैं ना, जो पालते हैं उनको पता है क्या होता है, घर में बछड़ा रहता है, उसकी मैया सवेरे चली जाती है गैया घास खाने के लिए, और रस्सी में बांध देते हैं गैया को, रस्सी में बांध देते हैं, चले जाता है मैया, चले जाता है सवेरे एक बार दूध पिला कर चले जाता है। चले जाने पर जब धीरे 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 शाम होता है ना, बछड़े को पता चलता है मैया आएगी, हैं, फिर तो देखना वो बछड़ा हम्बा माँ 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 करते रहता है, और जितने ज़्यादा शाम होता है ना, उतना ज़्यादा हम्बा मैया आएगा, हाँ मैया आएगी मैया आएगी। अब देखना जब उसका गैया आ जाए, बछड़े में जो रस्सी लगा हुआ रहता है ना, रस्सी को आप खोल नहीं सकते हो, इतने तेजी से वो माँ की दूध पीने के लिए भागता है, वो रस्सी खोलना बड़ा कठिन होता है, हैं? इसलिए जब उसका रस्सी खोल दो ना, फिर वो बछड़ा भागते हुए जाता है, जा करके मैया की स्तन को जो पीता है ना, मैया ऐसे स्तन नहीं देती है, स्तन को ऐसे सर में मारेगा, फिर उसका मैया उसको चाटेगी, हैं? चाटेगी, फिर धीरे 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 गैया की शरीर में फिर तभी दूध आएगा, नहीं तो दूध ऐसे नहीं आता है, हैं? दूध ऐसे नहीं आता है। फिर बछड़ा दूध पिएगा, जब दूध पी लेगा ना पेट भर करके, फिर बछड़ा फुदकता रहेगा, घूमते रहेगा, हैं? इधर उधर घूमते रहेगा। इसलिए कहते हे प्रभु, जैसे कि बछड़ा दिन भर हम्बा हम्बा, मैया कब आएगी, मेरे कब दूध पिलाएगी मैया, इसलिए हे प्रभु ये बछड़ा जैसे तड़पड़ाते हैं मैया के लिए, हम भी ऐसे तेरे लिए ऐसे तड़पड़ाए हैं, प्रभु कब आएंगे, प्रभु की दर्शन कब होगा, कृपा कब होगा, ऐसे तड़पड़ाए। उन्होंने ये स्तुति करके फिर उन्होंने देखा स्तुति ठीक है, उससे भी अच्छा है, लेकिन इसमें भी स्वार्थ है। कब तक हम्बा हम्बा करेगा, जब तक मैया उसको दूध नहीं पिला देती है, और दूध पी लेगा तो फिर क्या होगा, फिर फुदकते रहेगा, खेलते रहेगा, घूमते रहेगा, फिर मैया की चिंता नहीं करती है। हाँ कहते पहले से ये थोड़ा अच्छा है। बोले क्यों? कहते वहाँ पहले से जो उसका जो मैया जो दाना लेकर के आती है खाना, वो खाना अलग और मैया अलग है, वो खाना अलग मैया अलग है, लेकिन यहाँ पर गैया की स्तन से दूध कब आएगा,
जब वो बछड़े को देखेगा, बछड़े को देखे बगैर वो दूध देना नहीं चाहता है। इसलिए यहाँ पर जो दूध किया है, बल्कि जब माँ के हृदय जब द्रवीभूत होता है प्रेम से, बछड़े को देख करके जब चाटने लग जाती है, बछड़े बछड़े उसका स्तन को ऐसे मारने लग जाता है, बछड़े को चाटती है, ये करती है, फिर धीरे 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 गैया के हृदय में तभी ये स्तन तभी उतरती है, नहीं तो स्तन से दूध नहीं उतरेगी। इसलिए कहती ये उनका जो स्तन है, दूध और जो माँ, ये अलग नहीं, वो एक ही वस्तु है, वो एक ही वस्तु है। हृदय द्रवीभूत होकर के तभी दूध उतरती है, इसलिए वो उससे वो श्रेष्ठ है। मैया के प्रेम ही द्रवीभूत होकर दूध रूप में आती है, इसलिए लेकिन उसमें भी स्वार्थ है कहीं ना कहीं। इसलिए उन्होंने बोले प्रभु, फिर तीसरा नंबर उदाहरण दिया, प्रियाम प्रिय व विस्तार विसर्ण, एक हिंदू जो एक सती नारी के उदाहरण दिया, यहाँ पर सती नारी के एक उदाहरण दिया, उदाहरण दिया पति पत्नी की शादी हो गई। हमारे जो भारतीय संस्कृति है, पत्नी अपना पति को परमात्मा मानती है, पति ही परमेश्वर, पति ही परमात्मा है, उसके लिए पति परमेश्वर परमात्मा पति ही है, हैं? इसलिए अभी दोनों पत्नी शादी होकर के जब घर में चले आए आए तो अभी दोनों बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन अभी पति को किसी काम से 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना। पत्नी ने कहा पत्नी को, देखो मेरे को 10 दिन के लिए कहीं बाहर विशेष काम के लिए जाना पड़ेगा। पत्नी ने बोले, तुम जाओगे तो फिर मैं अकेले क्या करूँगी, ये श्रृंगार मैं क्यों करती हूँ, तुम्हारे लिए श्रृंगार करती हूँ, पति देखकर खुश होगा, ये बिस्तरा मैं क्यों सजाती हूँ, तुम्हारे लिए बिस्तरा सजाती हूँ, ये खाना क्यों बनाती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, इसलिए मैं जो कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हारे लिए करती हूँ और किसी के लिए नहीं करती हूँ, हाँ, इसलिए अगर तुम चले जाओगे तो फिर मैं क्या करूँगी। पहले देखो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, कोई काम है, और पहले स्त्रियाँ स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी, वो घर में रहती थी, स्त्री का काम था घर का काम, पुरुषों का काम था बाहर का काम, हाँ, बाहर पति काम करेगा, पत्नी घर संभालती थी, इसलिए इतना लिखे पढ़े नहीं होती थी। उसने बोला, अब कब आओगे, मेरे को पता कैसे चलेगा। बोले देखो, मैं दीवार में ना 10 लाइन में खींच देता, जब एक दिन बीतेगा तुम एक लाइन को मिटा देना, 2 दिन मिटेगा तो 2 लाइन को मिटा देना, तीसरे दिन मिटेगा तीसरे, जब एक लाइन बाकी रह जाएगा ना, समझना उसी दिन में आने वाले हूँ। अभी पति चला गया, जब चला गया दीवार में 10 लाइन खींच कर चला गया, और जो पति चला गया, पत्नी ने अपना जो श्रृंगार थे ना सब उतार कर रखे थे, बोले किसको दिखाऊंगी, पति तो है नहीं, हैं, जो खाना बढ़िया बनाती, अभी बढ़िया खाना नहीं बनाती है, किसी तरह से अपना जीविका निर्वाह के लिए वो किसी खाना बनाती है, हैं, घर को जो साफ सुथरा करती थी, बेड को अच्छे तरह से सजाती थी, अभी कुछ भी नहीं करती, किसके लिए, वो तो हमारे है ही नहीं, हाँ, पति देव तो है ही नहीं। अभी जब एक दिन बीतता है, एक लाइन को मिटा देती है, दूसरे दिन में दूसरे लाइन को, तीसरे दिन में तीसरे लाइन को, और जितने कम लाइन रहता है ना, अब 5 दिन रह गया, 5 दिन में आएंगे, 4 लाइन 4 दिन में आएंगे, और जितना लाइन कम होता है ना, उतना उत्कंठा उत्कंठा, हाँ, इतना दिन रह गया, इतना दिन रह गया, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, जो एक लाइन रह गया, बोले कल आएंगे, वो कल आएंगे। अभी रात भर उसने सोई नहीं, उनको पता है पति को क्या क्या प्यारा लगता है, रात भर पति को जो अच्छा चीज लगता है, रात भर दाल सब्जी चटनी परमाना और खिचड़ाना, मीठा चावल, शाही पनीर, टप्पू, सोयाबीन, हाँ, रात भर पिज्जा पास्ता, रात भर उसने पति को जो जो प्यारा चीज रात भर उसने बनाई, बना करके गर्म पानी करके रख दिया, पति आएंगे तो स्नान करेंगे, सब कुछ खाना पीना रेडी करके रखी करके दरवाजे को सामने जा करके बैठ जाती हैं, बैठ करके वो पति को राह देखती हैं, पति कब आएंगे, पति कब आएंगे, पति, जब उन्होंने देखा सचमुच से हैं पति आ रहे हैं, और देख करके इतने प्रसन्न हो गए, और पतिदेव जब घर में आए, ये हमारी भारतीय सब संस्कृति है, पति का चरण धोती हैं, उसकी चरणामृत लेती हैं, पति को गर्म पानी से स्नान कराती हैं, स्नान करा के उनको खाना देती हैं, देख करके पास में बैठती हैं,
और इधर पंखा झुलाती हैं, पंखा हवा करती हैं, पहले फैन नहीं है ना, पहले हवा करती हैं, और बैठा करके जो जो चीज उनको प्यारा है वही वही चीज परोस करके उनको पति को खिलाती हैं। पति बोले प्रभु, जैसे कि पतिव्रता नारी पति की सेवा में सर्वस्व सब कुछ दे देती है, ऐसे मैं चाहता हूँ संपूर्ण हम तन मन धन संपूर्ण शरीर देकर अपना आपकी सेवा करूं प्रभु, मैं ये चाहता हूँ, हाँ यही चाहता हूँ। जो कुछ करे जैसे पति के लिए, श्रृंगार करते पति के लिए, खाए तो पति के लिए, सोए तो मरे तो पति के लिए सब कुछ करती है, मैं ऐसे चाहती हूँ, हाँ मतलब संपूर्ण आपका सेवा में करना चाहता हूँ। हाँ यहाँ पर भी थोड़ी स्वार्थ है, यहाँ पर भी स्वार्थ है, बोले क्योंकि पति को क्यों प्रेम करती हो, पति चुके इसको खाना खिलाती है, रोजगार करके वो पति लेकर के आती है, ला करके पति को देती है, पत्नी को देती है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्वार्थ है, हैं यद्यपि सेवा करती है लेकिन कमाने वाले कौन है, पति कमाता है, पति सब कुछ, इसलिए इसमें स्वार्थ। लेकिन वहां पर उन्होंने उदाहरण दिया प्रियाम प्रियेव, यहाँ पति पत्नी नहीं दिया, प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम मतलब गोपियां जैसे, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण को कहते, बोले कृष्ण देखो हम तुमको जो प्रेम करते हैं ना, अपना हाथों से खाते हैं, अपना हाथों से पहनते हैं, सब कुछ अपना हाथों से खाते, तुम थोड़ी हमको खाना बना कर देती हो, तुम थोड़ी हम खिलाते हो, नहीं हम अपने हाथों से खाते हैं, हाथों से पहनते हैं, और तुमको निस्वार्थ रूप में तुमको हम प्रेम करते हैं, इसलिए इसलिए निस्वार्थ रूप में प्रेम करते हैं, इसलिए कहती कि गोपियों की जो प्रेम है ये संपूर्ण निस्वार्थ प्रेम है, ये कभी भी जो अपना शरीर को श्रृंगार करती हैं किसके लिए, कृष्ण देख कर खुश होएंगे, हाँ कृष्ण देख कर खुश होएंगे, जो कुछ करते हैं केवल कृष्ण, कहती गोपी प्रेम में एक अद्भुत चीज है, जैसे साधारण जगत में अगर स्त्रियां अगर अपना श्रृंगार करती है क्यों, उसमें अपना स्वार्थ रहती है, अपना स्वार्थ, लेकिन गोपियों के अंदर में कृष्ण के लिए खाना, कृष्ण के लिए रहना, कृष्ण के लिए सोना, कृष्ण के लिए श्रृंगार करना, जो कुछ करते केवल कृष्ण के लिए करते, बोले एक श्याम सुंदर ये गोपियां जैसे संपूर्ण तुम्हारी सेवा में अपना को आत्मसमर्पण करती हैं, हम चाहते प्रभु ऐसे ही आप हम सेवा करें, बस भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले ये शुद्ध प्रेम है। ठीक है, इसलिए उसमें एक श्लोक बाकी रह गया, मम उत्तम श्लोके जनेषु सख्य, लास्ट में कह रहे हैं प्रभु मेरी जो प्रीति है तुम्हारी भक्तों को साथ में हमारी प्रीति हो, क्यों भक्तों को साथ में प्रीति हो, फिर हम ये श्लोक को कल सुन लेंगे। ठीक है, अब इनको ऑफिस जाने का समय हो गया, हाँ इसलिए कितना समय हो गया न, कितना समय मैंने कथा की, हो गया ना, ठीक है ये यहीं रख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, वंशा कलुतर्भ्यः कृपा सिंधु वचो प्रत्यानं पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नितय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि।